एक बन शंकर जी पूजते, एक सड़कों पर पड़ा है एक करती थी, जो अपने पिया को भगवान मानती थी, अपने पति को भगवान मानती थी। आज की भी माताएं बहनें अपने पिया को भगवान मानती हैं। मानती हो कि नहीं मानती हो माताओं बहनों? हम दो मिनट के लिए आज की माताओं बहनों के बारे में हम जरूर बोलेंगे। एक नौजवान भैया को बियाऊं बहु, सही देऊं भैया, और लड़की बहुत पढ़ी लिखी रही, इतनी पढ़ी लिखी कि साहब सासू माँ से ठीक ढंग से बात नहीं करे। अच्छा, शहर की लड़की थी, शहर में दो लोगों का खाना बनाने वाली, देहात में बेचारी फंस गई। तो यहां पर तो 11 लोगों का खाना बनाना पड़ता है, और एक एक आदमी 3-3 किलो से कौन कम खावे। सो बनाते बनाते सुबह 7 बजे से बनावे, दिन के 12 बज जाए। तो अपने पिया से बोली, महाराज अब हम तुम्हें घर में साजे नहीं दे पाऊंगे, घर में साजे नहीं रह सकती हूं। मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, तो अपने पिया से झुंझलाए के और एक बात बोली, सही दो भैया के एक दिन बोली नार पिया से झुंझलाए के अपने सैया तकाल लगी हो सैया कई दिन बोली नार पिया से अरे चूलो धर लेऊंगी न्यारो साजे में अपनाई रहूंगी करवाई लूंगी पतवालो रोटी बनेगी। कहा बोली झुंझलाए के एक दिन बोली नार पिया से चूलो धर लेऊंगी न्यारो साजे में अब नाई रहूंगी भाई।
लगी महाराज। लंबो है परिवार तुम्हारो, घर को काम करे हम सार, पीनो छाप की रोटी करती तहूं नंदने, हमको मारो तहूं नंदने। उतार करके फेंक दिया, वलकल वस्त्रों को धारण कर लिया। मेरे प्यारे भक्तों, नील का लहंगा और गजी की साड़ी को ओढ़कर ये दुखिया काग बिढ़न बनकर के अटा पर पहुंच जाती है। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन परिकृत, जिस तरह मछली बगर पानी के जिंदा नहीं रह सकती, इसी तरह से पतिव्रता स्त्री बगर पिया के कभी जिंदा नहीं रह सकती। आज
रानी को अकेले रहते रहते कितना समय हो गया, 6 महीने व्यतीत हो जाते हैं। ऐसा ही नहीं, ए न्यारी महल न रहे दुख बहु सहे कहीं न जाई, महलन के बिड़ारत कागरे से रजो भैया। आज रानी को 6 महीने व्यतीत हो जाते हैं, ए भैया छे महीना दर्द बिताई, सुनो रचलाई सभा के भाई सभा के भाई। और आधी रात के समय पर के हुआम गिरन उधाई, आधी रात के समय पर है हुआम गिरन उधाई। सहदेव भैया आज रानी सुनीति रात्रि के 12 बजे कुआं में गिरने के लिए चली। आज आदि रात के समय पर है कुआं में गिरन पुधाई, आज मैया सुनीति सोचने लगी मेरे पिया को मुझे बगैर मिले हुए 6 महीने हो गए, अब मैं इस घर में अपने जीवन का यापन नहीं कर सकती हूँ। नौजवानों एकदम से सोचने लगी कुआं में कूद करके अपने प्राणों की आहुति दे डालूंगी, अटा से नीचे कदम रखा लेकिन दिमाग में हथौड़ा लगा, उरी पगली तूने बगैर पिया के पूछे कभी घर से बाहर कदम नहीं दिया, आज पिया के बगैर पूछे तू जंगल में मरने के लिए जा रही है। नहीं नहीं जा सकती हूँ, लेकिन दिमाग में हथौड़ा लगा, उरी पगली तेरे पिया तुझसे प्यार ही कहाँ करते हैं, चल दी है दुखिया निकल कर। रोने लगी, कहने लगी हे मेरे प्राण मुझे क्षमा कर देना, मुझे माफ कर देना। और रो कर की ये दुखिया क्या बोली, मोया पिया तेरी आई रही है मैं तो जा रही हूँ, रोने लगी सिसक रही है सैया नन्ना, नहीं रह सकती हूँ मैं, ओ मेरे पिया कोई क्षमा कर दीजो। बिलख रही है, ओ मेरे पिया कोई क्षमा कर दीजो, मेरी याद है बलम मत कीजो, आज गम में गोता खाई रही हूँ। सेवा नहीं कर पाई क्योंकि मेरी कोख में पत्थर पड़ चुके हैं, मेरे गर्भ से किसी बेटा का जन्म नहीं हुआ। आहा, रो करके दुखिया क्या कहने लगी, अगले जन्म में